मेरा और एक छोटा सा निवेदन है, फालतू टीवी में आजकल क्रिकेट मैच बहुत आता है, इसको भी ज्यादा ना देखें, क्योंकि क्रिकेट अब कोई खेल नहीं है, ये सट्टेबाजी है और ये जुआ है। 10 साल पहले से मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिकेट सट्टा है, जुआ है, अब तो वो सब सिद्ध हो गए। 10 साल पहले मैं कहता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप एग्जैजरेशन कह रहे, अब तो हर एक खेल मैच फिक्स है, आप उसमें ताली पीट रहे हैं चौके और छक्के पे, वो फिक्स है, इतने चौके लगेंगे, इतने छक्के लगेंगे, इतनी बॉल पे लो बॉल, इतनी बॉल वाइड बॉल, इतने रन, ये सब फिक्स है। खिलाड़ी रिश्वत खा के मैच हार रहे हैं, आप वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि हम हार गए, उन्होंने पैसे खाए हारने के, हाँ हम दुखी कि भारत हार गया, ये हार गया, हुआ उन्होंने पैसे खा रखे हैं, हार नहीं है उनको, क्योंकि हारने के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं जीतने वालों की तुलना में। और सारा खेल ये सट्टेबाजी में, ये आईपीएल का खेल जो आया ये सब सट्टेबाजी, कितना बड़ा घोटाला हुआ है आईपीएल में आप सभी देख रहे हैं, अब उस घोटाले पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उसको भगा दिया यहाँ से, जो मुख्य घोटालेबाज है आईपीएल का वो लंदन में बैठ गया, मोदी वहां, ललित मोदी, और यहाँ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो खा रहे थे पैसा वो अभी खामोश होकर बैठे। इस क्रिकेट ने तो देश का ऐसा कबाड़ा किया है कि हमारा कृषि मंत्री क्रिकेट के अलावा कुछ करते ही, अच्छा होता कि उसको क्रिकेट मंत्री बना दिया जाए। किसान मर रहे हैं भूख से, आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि मंत्री को क्रिकेट से फुर्सत है, पहले बीसीसीआई का अध्यक्ष, अब अंतरराष्ट्रीय उसका अध्यक्ष, इसी के लिए अगर मजा है उसको तो छोड़े कृषि मंत्रालय, जाए क्रिकेट में, हमें क्या तकलीफ है, हमें तो तकलीफ है कि हमने उसको कृषि मंत्री बना के बिठाया, देश के 70-80 करोड़ किसानों का भविष्य तय करने के लिए उसके पास क्रिकेट से फुर्सत है, बहुत अफसोस है। और सरकार भी इतनी कमजोर और लाचार कि उसकी जगह दूसरे को नहीं बना पा, और ये क्रिकेट मंत्री क्यों, हमारी क्रिकेट में इतनी रुचि क्यों है, हर बड़ा नेता क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बन रहा है इस समय, क्यों, पैसे है ना इसमें, हजारों करोड़ का ये बिजनेस है, इसलिए सबकी लार टपकती है वहां जाने की। और सबसे खराब बात है, गुलामी का खेल है, अंग्रेज आए तो क्रिकेट आया, जहां जहां अंग्रेज गए वहीं क्रिकेट गया, भारत क्रिकेट खेलता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अंग्रेजों के गुलाम है, जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं है कोई क्रिकेट नहीं खेलता, चाइना में क्रिकेट नहीं कोई नहीं खेलता, जापान में नहीं, कोरिया में नहीं, और मैंने तो देखा जो इंटेलिजेंट है वो कोई क्रिकेट नहीं खेलते, जो भी देश होशियार है वो क्रिकेट नहीं खेलते, कहते समय कौन बर्बाद करे, 8-8 घंटे दिन भर मूर्खों की तरह से बड़ी धूप में पागलों की तरह खड़े हैं क्रिकेट के मैदान, क्या मिलने वाला है, कुछ आपको क्या मिलता, मेरे तो ये समझ में, उनको तो पैसे भी मिलेंगे, आप टीवी खोल के बैठे हो। और ऐसे मूर्खों को मैंने देखा है भारत में क्रिकेट का मैच देखते। एक बार मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ, मैं किसी के घर खाना खाने गया, मराठी परिवार, और एक पिता, एक माता, एक बेटा, तीन थे परिवार में, पिता और बेटा दोनों मैच देख रहे थे, और पता नहीं भारत की टीम खेल रहे थे तो कोई खिलाड़ी ने छक्का मार दिया, मैं नाम भूल गया वो खिलाड़ी का, तो महाराष्ट्र में पता है क्या होता है, पिताजी को बाबा कहते हैं, बाबा, बाबा माने पिता, तो वो जो बच्चा था ना वो बहुत एक्साइटेड हो गया, वो चिल्लाने लगा, बाबा छक्का, बाबा छक्का, बाबा छक्का, बाबा छक्का। अब मुझे तकलीफ हो गई, मैंने उस बच्चे से कहा, भाई तू क्या बोल रहा है, तेरा बाबा कब से छक्का है, हम जानते हैं छक्का कौन होता है, जो ही और शी दोनों नहीं होते वो सब छक्के, और वो कह रहा बाबा छक्का, बाबा छक्का, मैं ऐसा एक्साइटमेंट कि बाबा को छक्का बनाए,
और ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, तेंदुलकर आउट हो गया, जीरो पे आउट हो गया। अरे भाई तुमको क्या तकलीफ है तेंदुलकर आउट हो गया, या वो डबल सेंचुरी बनाए तो तुमको क्या खुशी है। तेंदुलकर सेंचुरी बनाए या भारत मैच जीते तो क्या गरीबी खत्म होती है, बेकारी खत्म होती है, महंगाई कम होती है क्या, हमारे जीने की आस बढ़ती है क्या, बीमारियां कम होती है क्या, कौन सी समस्या का समाधान जिसके लिए हम क्रिकेट देते। मुझे बहुत दुख होता है 8 करोड़ भारतवासी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब क्रिकेट मैच होता है तो सब काम छोड़कर टीवी से चिपक जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। बैंकों से छुट्टी ले लेते हैं, न्यायालय से छुट्टी ले लेते हैं, कोर्ट में नहीं जाते, फैसले नहीं करते, घर में बैठे टीवी से चिपके। कोई इंडस्ट्री नहीं चलाता, वहां नहीं जाएगा, दुकान खोलता है वहां नहीं जाएगा, बैठे, और अगर चला भी गया तो वहां हर समय कान लगा रहता, कितने रन बने, कितने विकेट गिरे, कितने रन बने। पागलों की तरह से हम व्यवहार करते, सामान्य व्यवहार भी हमारा खत्म हो गया। तो ऐसे फालतू अंग्रेजों के गुलामी के खेल को क्यों हम बेकार इतना तवज्जो दे रहे। और मैं आपसे एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, क्रिकेट पर मैंने बहुत रिसर्च किया और मैंने इसके कई दस्तावेज इकट्ठे किए। जब अंग्रेज इस क्रिकेट को लेके आए तो क्यों लेके आए, उसके पीछे का उनका लक्ष्य क्या था, क्योंकि अंग्रेज कोई भी काम ऐसे नहीं करते थे, उसके पीछे बड़ी गहरी उनकी चाल और साजिश होती थी। भारत में क्रिकेट लाए क्यों, यहाँ के राजाओं के साथ वो मैच खेलते थे और अक्सर राजा उसमें हारते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज एक्सपर्ट थे इस खेल के और हमको तो आता नहीं था, तो अंग्रेज शर्त लगा के खेलते थे, बैटिंग होती थी। जैसे किसी राजा से मैच हो रहा है और उसमें शर्त लगी है कि अगर राजा हारेगा तो उसका राज्य अंग्रेज ले लेंगे, और राजा जीतेगा तो उसके राज्य में अंग्रेज चले जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे, ये शर्तें लगा के मैच हुआ करते थे। और ज्यादातर राजा क्रिकेट के मैच में हारते थे और उनका राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता। अंग्रेजों ने पता है क्या किया, भारत के राजाओं के हाथ में क्रिकेट का बैट दे दिया और उनका पूरा राज्य हड़प लिया, और बड़े बड़े खानदान इस क्रिकेट के चक्कर में गुलाम हुए इस देश के। बहुत खराब खेल, तो आप इसमें फालतू समय खराब ना करें।